हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो गए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे। आप लोग के दुआ और आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी प्यारे प्यारे मेंबर्स को हमारे तरफ से बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत सारा थैंक्स, क्योंकि आपके इस चैनल को बने हुए आज 3 मंथ्स हो चुके हैं। मतलब आपका ये चैनल आज 3 मंथ्स ओल्ड हो चुका है। 16 फेब को हमने ये चैनल स्टार्ट किया था। आपने इन 3 मंथ्स में बहुत ही ज़्यादा प्यार एंड बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है अपने इस चैनल को। उसके लिए आप लोगों का दिल से बहुत बहुत थैंक्स। आगे भी अपने इस चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहना ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें एंड उनकी लाइफ में भी हम कुछ वैल्यूज ऐड कर सकें। आप लोग को बहुत सारा कॉन्ग्रेट्स इसके लिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोग लर्निंग को लेकर इतने सीरियस हो। जब ये चैनल स्टार्ट हुआ था तो इन 3 मंथ्स में आप लोगों ने सच में बहुत प्यार दिया है अपने इस चैनल को। उसके लिए थैंक यू सो मच एंड आगे भी इसी तरह सपोर्ट करते रहना, क्योंकि ये आपका चैनल है। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, ये मेरा चैनल नहीं है। तो चलो, बातें बहुत हो गई, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्विंग ट्रेडिंग का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है 5 दिन में 10% प्रॉफिट स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। आपको जो पुराने हमारे व्यूवर्स हैं, जो थ्री मंथ से हमारे साथ में हैं, उनको तो पता ही है कि हम कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं एंड कैसे हम प्रॉफिट कमाते हैं एंड कैसे हमारे स्टॉप लॉसेस होते हैं। बट जो नए हमारे जो डेली इस चैनल पे बहुत ही प्यारे प्यारे नए नए हमारे मेंबर्स ऐड हो रहे हैं, उन लोगों को नहीं पता है कि स्ट्रैटेजी अगर कौन से हम यूज़ करते हैं। मैं बोलूँगी पहले आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो एंड ये शीट भी हम यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो पहले आप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देख लो एंड ये शीट कैसे यूज़ करना है मैंने बताया। मैं स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक हर डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप पहले वहाँ से चेक कर लो, बहुत ईजी स्ट्रैटेजी है। आप पहले स्ट्रैटेजी देख के आओ। एंड रही बात 5 दिन में 10% प्रॉफिट की, आपको तो पता ही है जो हमारे साथ काफ़ी दिन से जुड़े हुए हैं, आपको तो पता ही है। देखो कुछ स्टॉक्स मैं दिखा देती हूँ। देखो ABB में हमने देखो यहाँ पे ट्रेड लिया था, देन यहाँ पे ट्रेड लिया था, देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया था। देन मोर देन आपको 10% मिल जाता है। देन देखो इंडस टावर यहाँ पे देखो हमने ट्रेड लिया था, ये देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है। देखो आपके सामने है, मैंने मार्क भी हटाया नहीं है। आपको पता है एनालिसिस में मैं, आप इस दिन का वीडियो भी देख सकते हो, 14 मार्च का जो मेरा वीडियो होगा ना स्विंग वाला, आप उसमें देख सकते हो। मैंने स्टॉक्स, हमने ये स्टॉक्स देखा था एनालिसिस वीडियो में, आप वहाँ से देख सकते हो। देन विप्रो देखो, काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं। आपको ऐसा नहीं, मैं ये सब दिखा रहा इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि आपके स्टॉप लॉसेज नहीं हिट होंगे। देखो यहाँ पे 1 ट्रेड हमारा चला, देन 2nd ट्रेड हमारा चला, देन अभी हमारा ये ट्रेड जो है 2 ट्रेड हमारे अभी ऑनगोइंग है एंड आज एक ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया 466.4। हाँ, ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, एक ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया आज। बाकी 2 ट्रेड देखो पीछे कितने अच्छे चले हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होंगे, स्टॉप लॉसेस तो बिल्कुल हिट होंगे, लेकिन जो आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे, जो मैंने आपको दिखाया ना शीट दिखाया, उसको जो आप फॉलो करोगे उसी से आप प्रॉफिटेबल बनते हो। देखो ये कितना अच्छा परफॉर्म किया है, एक अशोक लीलैंड है देखो, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये सारे रिसेंट है, देखो ये 19 अप्रैल का है, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया, देख रहे हो आप। देन ABFR बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे। बट इसका ये मतलब, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं स्टॉप लॉसेस नहीं होते, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं। आपको रिस्क को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो बिल्कुल कोई क्लिकबेट नहीं था, आपने देख लिया 5 दिन में 10% प्रॉफिट बिल्कुल होता है। बट द पॉइंट इज आपको रिस्क को मैनेज करना है एंड आपको रिस्क रिवॉर्ड को भी फॉलो करना है। तो चलो आप फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की एनालिसिस वीडियो। मैंने निफ्टी 200 का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, एंड में हम बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों की एनालिसिस भी देखेंगे। आप वीडियो में एंड तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, वन बाई वन हम देखते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम 1 बाई 1 देखते हैं, हम किसी स्क्रीनर का यूज़ नहीं करते हैं। मैं आपको भी यही रिकमेंड करूँगी, मैं खुद भी नहीं स्क्रीनर का यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको भी बोलूँगी डोंट यूज़ एनी स्क्रीनर, आप इसे मैनुअली करो। देखो ये साइडवेज, मैंने बताया था ये साइडवेज है, तो देखो ये अभी तक ये निकला था साइडवेज रेंज से बाहर निकला था, लेकिन फिर से वो इसी रेंज में चला गया है, राइट? तो हम साइडवेज कभी भी ट्रेड नहीं करते हैं। कभी भी कोई स्टॉक एक रेंज बाउंड होता है, हम उसको ट्रेड नहीं करते। चलो आगे बढ़ते हैं। आज ग्रासिम हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो आपने अगर एग्जिट नहीं किया तो आप एग्जिट कर देना। स्टॉप लॉस होने पर भी आपको एग्जिट करना ज़रूरी है, टारगेट्स पर भी आपको एग्जिट करना ज़रूरी है। आपको होल्ड करके नहीं रखना है किसी होप एंड ग्रीड में, आप इसको मेक श्योर करना। ये देखो ये भी साइडवेज है, मैं आपको मार्क करके दिखा रही हूँ,
ये देखो देखो, इसी तरह साइडवेज को हम मार्क करते हैं, साइडवेज का रिकग्निशन हम इसी तरह से करते हैं। देखो प्राइस ने, देखो यहाँ पे इस हाई से प्राइस ने रेजिस्ट किया, देन इसी हाई से फिर से रेजिस्ट किया, देन लो देखो यहाँ पे स्लो से रेजिस्ट किया, देन यहाँ पे बाहर आया लेकिन फिर से रेंज में चला गया, देन इसी लो से देखो प्राइस जो है सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो इस तरह से हम मार्किंग करते हैं। आप चाहो तो मार्किंग करके आप हमें चार्ट्स भेज सकते हो, हम हमारे एंड से आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है रिस्पॉन्स मिलने में, बट मैं मेरी टीम जो है आपको रिस्पॉन्ड करेगी, मैं खुद चेक करूंगी उसे, एंड मेरी टीम आपको मेल पे रिस्पॉन्ड करेगी। सो आप हमें मेल कर सकते हो चार्ट्स को मार्क करके। ये एक्सिस बैंक देखो, एक्सिस बैंक में यहाँ पे हमारा ट्रेड था एक, यहाँ पे जो हमारी एंट्री हो चुकी है आज। तो अब आपको टारगेट है स्टॉप लॉस का वेट करना है। अभी निफ्टी बिल्कुल भी क्लियर निफ्टी का ट्रेंड नहीं है। सो देखो बालकृष्ण में यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया है। सो निफ्टी में अभी कोई क्लियर ट्रेंड नहीं है, तो मैं यही बोलूँगी आपको कि अभी अग्रेसिव आपको नहीं करना है ट्रेड। 1% कैपिटल जो यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, मैंने बहुत बार वीडियोस में बोल रखा है, अभी 1% को आप 0.3% या 0.5% ही आप रिस्क लो कैपिटल का। एक बार निफ्टी अच्छे से ट्रेंड में आ जाए देन आप आराम से कर सकते हो। देखो बर्जर पेंट्स मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, अभी तक हमारा ऑनगोइंग है, थोड़े से के लिए हमारा टारगेट बचा हुआ है, देन आगे बढ़ते हैं। देखो भेल में हमने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, ये हमारा ऑनगोइंग है, अभी भेल काफ़ी अच्छा सेटअप है भेल का भी। आपको इसी तरह वन बाय वन देखते जाना है, राइट? अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। देखो सीजी पावर में बड़ी कैंडल थी इसीलिए मैंने लिख के रखा था बिग कैंडल है, लेकिन जिन लोगों ने ट्रेड लिया होगा उनका देखो 1:1 से ज़्यादा थोड़ा अचीव हो चुका है, 1:2 अभी अचीव नहीं हुआ है। तो आप खुद देख सकते हो स्ट्रैटेजी वाली वर्क करती है या नहीं वर्क करती है। ये देखो ये शॉर्ट का ट्रेड मैं क्यों नहीं लिख रही हूँ, यहाँ पे जो शॉर्ट का ट्रेड है ये वाला, ये इस कैंडल पे इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि देखो ये भी एक रेंज में ही मूव कर रहा है। देखो देख रहे हो आप, ये इसी रेंज में ऑलमोस्ट मूव कर रहा है प्राइस जो है, इसीलिए मैंने इसको नहीं लिखा है। हम कभी भी साइडवेज में ट्रेड नहीं करते हैं, हमें ट्रेंडिंग, हमें हायर लो एंड हायर हाई बनाने वाला प्राइस का मूवमेंट चाहिए। लाइक दिस देखो, इसमें देखो ये लो बनाया प्राइस ने, देन लोअर लो बनाया, देन लोअर लो बनाया, हाई देखो ये बनाया, देन लोअर हाई बनाया, देन लोअर हाई बनाया। तो हमें ऐसा चाहिए, हमें सेम हाई एंड सेम लो जब बना रहा हो प्राइस ना, तो हम वैसे चार्ट को हम देखते ही नहीं, हम उसको एकदम ही इग्नोर कर देते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा साइडवेज, क्योंकि साइडवेज पहचानना अगर आप एक बार सीख गए ना, तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ही हद तक आपको समझ में आएगा, अपने ट्रेडिंग में लेवल आपको समझ में आएगा कि आप लेवल अप हो गए हो आप अपनी ट्रेडिंग में। सो आपको साइडवेज पहचानना आना बहुत ज़रूरी है। कमेंट्स में देखो हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ये कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है, देखो आपके सामने है, ये चार्ट मैंने घर पे नहीं बनाया है, देखो आपके बिल्कुल आपके सामने है, कितना वन साइड मोमेंटम मिला है देखो। एंड यस, कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगी पर्सनली मैं खुद स्टॉक ऑप्शंस में नहीं करती हूँ, क्योंकि स्टॉक ऑप्शंस में जो है लिक्विडिटी नहीं रहती है। देखो यहाँ पे डिक्सॉन में हमारा एक ट्रेड आया, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा अपर वीक है इसमें, तो अगर आपको सही लगे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज आप कल का वेट कर सकते हो कि एक और अच्छी सी कैंडल मिल जाए, तो अगर आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे तो। बट ये अच्छा सेटअप है, आप देख सकते हो उसको, मैं नाम दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेक कर लेना, बट मेक श्योर करना आप पहले अपनी एनालिसिस करो। हाँ तो मैं कह रही थी कुछ लोग हमसे पूछते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस में करें, तो मैं पर्सनली भी स्टॉक ऑप्शंस में नहीं करती हूँ। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी आप स्टॉक ऑप्शंस में नहीं करो ट्रेड, आप इक्विटी में ही ट्रेड करो, क्योंकि उतनी लिक्विडिटी नहीं होती। अगर आपको ऑप्शंस में करना है तो आप डेरिवेटिव का जो हमारा ऑप्शंस का एनालिसिस वीडियो होता है, आप निफ्टी बैंक निफ्टी में कर सकते हो। अगर आपको ऑप्शंस ट्रेड करना है तो आप स्टॉक ऑप्शंस में मत जाना, एंड वो भी जो ऑप्शंस वाला हमारा है वो इंट्रा डे का ही है, वो ओवरनाइट एकदम होल्ड नहीं करना है आपको, अदरवाइज आपके बिग लॉसेस हो जाएंगे। सो मैं एकदम स्ट्रिक्टली आपको बोल रही हूँ, अगर आप ऑप्शंस एनालिसिस की वीडियो हमारी देखते हो एंड ऑप्शंस ट्रेड करते हो, तो वो बिल्कुल इंट्रा डे है, प्योरली इंट्रा डे स्ट्रैटेजी है, आपको उसको होल्ड नहीं करना है ओवरनाइट। आपको 3:10 तक आपको अपने पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर देना है, अदरवाइज आपके श्योर शॉट आपके बिग लॉसेज होंगे अगर आप उसको ओवरनाइट होल्ड करते हो तो।
क्योंकि वो प्योरली इंट्राडे की स्ट्रैटेजी है। एंड ये जो स्विंग वाली है ये तो आपको ओवरनाइट होल्ड करना ही है, इक्विटी में करो, ओवरनाइट आपको होल्ड करना है, क्योंकि जब तक आपका टारगेट नहीं होगा आप इसको होल्ड करके रखोगे। ये देखो ये उतना अच्छा स्विंग नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं लिख रही हूँ, आइशर मोटर। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं समझाना चाहती हूँ। फिर भी आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप एकदम हमें कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूँगी आप लोग के डाउट्स को जितना जल्दी जल्दी हो सॉल्व करने का। बट आप लोग पूछो, आपको जो भी डाउट्स हो आप पूछो हमारे एंड से, आपको बिल्कुल। आज देखो ग्रासिम में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे जो हमारा ट्रेड था स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप हमारे एंड से आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आप एकदम पूछो, आपको जो भी डाउट हो आप एकदम हमसे पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हमें एक ट्रेड मिला है डिक्सॉन, अच्छा सेटअप है वो, आपको सही लगे तो आप देख सकते हो। ये देखो HCL, देखो ओ माय गॉड, जस्ट सी यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया है, देखो आपके सामने है, ये मोर देन आपको 10% मिल गया। देखो विद इन 1, 2, 3, 4, 5 5 डेज में देखो मोर देन आपको 10% मिला। अब आप बोलो ये स्ट्रैटजी वर्क करती है, मैं ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के बोलते रहती हूँ। आपके सामने है देखो, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया था, ये हमने 7th 8th में का आप वीडियो देख सकते हो, उसमें ये हमने देखा था, एनालिसिस में हमने देखा था इस स्टॉक को। सो अब आप खुद ही डिसाइड करो स्ट्रैटजी वर्क करती है या नहीं वर्क करती है। एंड 10% से ज़्यादा ही आपको मिल जाता है, बट जो आपका 1:2 टारगेट होता है आपको उसी पे एग्जिट कर देना है, आपको ग्रीड एंड फियर में आके उसको होल्ड करके नहीं रखना है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इन्फी में देखो यहाँ पे हमने लिया था ट्रेड, देखो कितना ब्यूटीफुली परफॉर्म किया था। आगे बढ़ते हैं, यस स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, एकदम स्टॉप लॉसेस के लिए आपको प्रिपेयर रहना है, इसीलिए यही प्रिपरेशन के लिए ही हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस ये तो पूरा प्रोबेबिलिटी गेम होता है ना, तो आपको पता नहीं आपके कौन से ट्रेड चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे। कभी कभी आपके बेस्ट सेटअप भी जो है वो स्टॉप लॉस जा सकता है आपका, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन होगा तो भी वो आपका स्टॉप लॉस जा सकता है। सो ये आपके कंट्रोल में नहीं होता है, तो आपके कंट्रोल में क्या होता है, रिस्क को मैनेज करना कंट्रोल में होता है। देखो महिंद्रा में दो दो ट्रेड हमारे देखो कितने ब्यूटीफुली चले हैं, एक ट्रेड यहाँ पे था एक ट्रेड यहाँ पे था, दोनों देखो कितने ब्यूटीफुली चले हैं। सो मैनकाइंड फार्मा में देखो स्विंग नहीं है अच्छा सा, यहाँ पे हमें स्विंग स्विंग नहीं दिख रहा अच्छा सा, देखो कैंडल्स भी उतने अच्छे नहीं दिख रहे हैं, एंड ये कैंडल भी काफ़ी बड़ी बन गई है। देखो आपको डिफरेंस दिखाते हुए, एक ये कैंडल देखो कितनी हेल्दी हेल्दी कैंडल्स लग रही हैं, ये चार्ट देखो कितना साफ सुथरा लग रहा है, राइट। एंड मैनकाइंड का चार्ट देखो ये कैसा घिचपिच टाइप का लग रहा है, मतलब इतने सारे विक्स दिख रहे हैं एंड ऑल। तो आपको हमेशा हेल्दी, आप M&M का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, महिंद्रा महिंद्रा का, आपको उसी तरह के चार्ट्स पे आपको ट्रेड करना है, जब कैंडल्स वैसे हेल्दी हेल्दी बन रहे हो तब उसी तरह के कैंडल्स पे आपको ट्रेड करना है। आपको बहुत ज़्यादा विक्स बन रहे हो तो आपको ट्रेड नहीं करना है वैसे में। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, अभी हमें एक सेटअप मिला है आज के लिए, हमें एक मिला है डिक्सॉन, अच्छा सेटअप मिला है। मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ती हूँ वरना वीडियो फिर मेरी काफ़ी लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, पेटीएम नहीं, पीबी फिनटेक नहीं, एक बार आपको इसकी हैबिट पड़ जाएगी ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 10 मिनट्स में आराम से, जॉब वाले आप लोग जो भी हैं आप लोग आराम से अपना जॉब से वापस आके आप स्कैन कर सकते हो। ये देखो ये पूरा साइडवेज है, देखो ये पूरा साइडवेज है, ये देखो आपको समझ में, अब आई होप आपको अब क्लैरिटी मिल रही होगी साइडवेज पहचानने की। ये देखो इसी रेंज रेंज से मूव कर रहा है, अप एंड लो आप देख सकते हो, तो साइडवेज मार्क करो, क्योंकि ये देखो कितनी हेल्दी हेल्दी कैंडल्स बन रही हैं, आपको देख के ही समझ में आएगा, जो अच्छे अच्छे सेटअप्स रहते हैं आपको देख के ही समझ में आएगा। जितना ज़्यादा आप चार्ट देखोगे, ये देखो कितना घिचपिच लग रहा है, ये विक्स बन रहे हैं एंड ऑल, तो साइडवेज में हमेशा ऐसा ही आपको दिखेगा, तो आपको पहचानना आना चाहिए। जितना ज़्यादा आप चार्ट्स देखोगे उतना ज़्यादा आपको पहचानना आएगा कि कौन सा कैंडल किस में हेल्दी कैंडल बन रहा है। इसलिए मैं स्क्रीनर यूज़ करने आपको मना किया, क्योंकि अभी तक मैं स्क्रीनर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे इतने साल हो गए तो भी मैं अभी स्क्रीनर नहीं यूज़ करती हूँ, मैं इसी तरह मैनुअली स्कैन करती हूँ अपने लिए। तो चलो आगे बढ़ते हैं, श्री सीमेंट्स नहीं, सीमेंस देखो सीमेंस का भी कैंडल कितना हेल्दी हेल्दी बन रहा है। आप जितना ज़्यादा चार्ट्स को देखोगे आपको समझ में धीरे धीरे आने लगेगा हेल्दी कैंडल्स क्या होते हैं। तो
तो चार्ट पे आप टाइम बिताओ, चार्ट्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो। सिंजिन में देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी है, हम रेड कैंडल पे करते हैं ना शॉर्ट, एंड ये एक साइडवेज में भी है, रेंज बाउंड स्टॉक भी है तो हम इसको नहीं देखेंगे। रेंज बाउंड स्टॉक्स को तो हम आग बंद करके भी नहीं देखेंगे, मतलब हम एकदम इग्नोर करेंगे रेंज बाउंड स्टॉक्स को, मेरे कहने का मतलब हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, टेक महिंद्रा नहीं, रैमको नहीं, टाइटन नहीं, टोरेंट फार्मा नहीं, टोरेंट पावर नहीं, यूपीए नहीं, अल्ट्राटेक नहीं, यूनियन बैंक नहीं। देखो इस तरह बस आपका कैसे पता भी नहीं चलेगा आपको, कैसे आपकी लिस्ट एंड हो गई करते करते आपको पता भी नहीं चलेगा। विप्रो में देखो दो ट्रेड हमारे चल चुके थे, थर्ड हमारा ऑन है, फोर्थ वाला अगर आपने लिया होगा तो आपका स्टॉप लॉस आज हिट हो गया। तो मेक श्योर करना आप स्टॉप लॉस पर भी एग्जिट करते हो, आप उसको होल्ड करके नहीं रखते हो, कि बहुत बड़ी गलती हो जाएगी अगर आप स्टॉप लॉस होने के बाद भी होल्ड करके रख रहे हो तो। चलो अब निफ्टी बैंक निफ्टी की देख लेते हैं फटाफट से एक बार। इसमें देखो हमने बात किया था यहाँ पे अगर आपने लिया होगा तो आपका आज 1:1 तो नहीं अचीव हुआ, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का आपने रखा होगा स्टॉप लॉस, तो अभी आपका 1:1 नहीं अचीव हुआ है। एंड बैंक निफ्टी में देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे आपने बाई किया है तो अभी आपका ट्रेड ऑन गोइंग है, आपका ना स्टॉप लॉस हुआ है ना टारगेट हुआ है। तो कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करना है, चार्ट्स पे जो दिखे उसको फॉलो करते जाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते जाओ, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते जाओ एंड रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते जाओ, आप श्योर आप प्रॉफिटेबल बनोगे। सो डन फॉर द डे। ये शीट जिन लोगों को भी नहीं मिली है फटाफट से एक्शन लो अपने लिए एंड कमेंट करो, आपको बस कमेंट करना है, रेस्ट हमारी जिम्मेदारी है उसको भेजना, आपको शीट आपको देना। सो कमेंट करो एंड कोई भी डाउट हो तो वो भी कमेंट करो। सो डन फॉर द डे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को।